अच्छा जी, देन फ्रॉम देयर लास्ट एक्सप्रेशन और वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट और वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कांस्टेंट इनटू अनदर थिंग विल बी ए कांस्टेंट. तो आपके पास वाई डैश जो है ये क्या आ गया है, कांस्टेंट. सो व्हाट द वाई डैश इज, व्हाट वाई डैश इज, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन. अब हमने सारी डिस्कशन में जो किया है, वी हैव फाउंड द स्लोप ऑफ द लाइन और वो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट आ गई है. स्लोप इज कांस्टेंट. तो किस लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन की. जो कर्व होता है वो तो स्लोप इज वेरिंग एट एनी टाइम. सो वंस यू हैव कंक्लूडेड के स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट, इट मींस यू योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन. योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन, नॉट एनी अदर वन. हमने तो बहुत से कंसिडर किए लेकिन उनमें से हमने जो स्लोप मालूम की है, जो कांस्टेंट आई है, वो एक ही डिस्टेंस की आई है और वो है फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू एंड दिस वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट. इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन. स्लोप से हमें पता चला है कि किया. नाउ अब व्हाट वी हैव, व्हाट आर द वेरिएशंस. देखिए मैंने कहा कि अल्फा ये जो है, ये जो है एडजस्टेबल कांस्टेंट है, ये चीज़ वेरी हो रही है. और हमने करना क्या है कि हम इन में वेरिएशन ला के हम अपना फंक्शन मालूम कर रहे हैं वाई एक्स. वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्स सच दैट के ये सारा इंटीग्रल उसके लिए मिनिमम हो जाए. एंड व्हाट वी फाउंड कि वाई डैश इज कांस्टेंट. And y dash constant mean that we have found that the slope of the curve is constant and hence we are talking about the straight line which provides us the shortest distance between the two points. मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देता हूँ. बाज गायें बूढ़ी हो जाती है ना तो उनकी कमर नीचे हो जाती है. देखो ऐसी झुकी होती है तो वो बड़ी अजीब किस्म की सरफेस बन जाती है. अब मैं तुम्हें कहूँ कि भाई प्ले ऑन द बैक ऑफ दिस काउ और एक छोटी सी चीज़ लेकर उसके ऊपर एक पॉइंट इधर लगा दो, एक नीचे लगा दो. ट्राई टू रीच दैट पॉइंट थ्रू ए मिनिमम डिस्टेंस, थ्रू ए मिनिमम डिस्टेंस. अब देखो वो तो गाय की पीठ है ना, चौड़ी भी है, तो आप इधर से भी जा सकते हो, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो. तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड इट्स स्लोप. स्लोप मीन यू हैव टू फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. एंड इफ दैट स्लोप इज, अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन होगी, कॉन्स्टेंट आएगी, वो स्लोप कोई और वैल्यू भी दे सकती है. क्या आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं वाई एक्स को, तो आपको एक पॉइंट पर स्लोप है, दूसरे पॉइंट पर वेरिएबल स्लोप. बट दिस वेरिएबल स्लोप मे बी डिफरेंट इफ यू गो फ्रॉम द अदर साइड. ठीक है, सो दिस विल गिव यू द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. या एक आदमी सर गंजा करा देता है और इधर भी एक पॉइंट है और इधर पीछे पॉइंट लगाया हुआ है और मैं उसे कहता हूँ कि यार आओ नज़र मेरे सर के साथ खेलो, बच्चा है, उसको पेंसिल लेकर इसके साथ खेलो और इधर इस पॉइंट तक पहुँचो थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. वो आएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा. लेकिन अब तुमने उसमें ये देखना है कि विच वन इज द शॉर्टेस्ट वन, तो उसकी आपने स्लोप मालूम करनी. अब चूँकि ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैंने ये तो स्ट्रेट लाइन की निकाली प्लेन बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द प्लेन. ठीक है ना, तो वो ये तो प्लेन नहीं है, ये तो थ्री डायमेंशनल फिगर है. तो उसमें स्लोप जो है आपने
जो है मालूम करेंगे तो स्लोप वेरी करेगी. सो योर वाई डैश विल वॉन्ट बी ए कॉन्स्टेंट, इट विल बी ए वेरिएबल क्वान्टिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड देन यू कैन रीच टू दिस पॉइंट एंड देन यू विल फाइंड, यू विल फाइंड स्लोप ऑफ द अदर्स. और देखो कंपेयर करो कि किस तरीके से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहुँच जाता है. ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. ये ज़रा मुश्किल टॉपिक हैं, लेकिन मैंने इसलिए चुन लिया कि ये इसके मार्क्स थोड़े हैं तो आप लोग इफेक्ट ना हो जाएं, और बाकी आसान बाद में करेंगे. हाँ मन कर दो यार, ये ज़रा रहे एक मिनट, मैं तुम्हें बता दूँ कहाँ से पढ़ना है. ज़रा घर में भी जाओ ना थोड़ा सा. देखो ये एडवांस मैथमेटिक्स किताब है, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पूरा चैप्टर है. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का चैप्टर है. दिस चैप्टर इज चैप्टर 16. चैप्टर 16 देखो, यही चीज़ें मैंने की हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं. देखो ये सारी इक्वेशन दी हुई हैं. अभी आगे कोई क्राइटेरियन भी आएगा, ये देखो वही चीज़ें हैं, ये वही उसमें है. आगे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, किसी जगह स्ट्रेट लाइन का कह रहा है, किसी जगह पैराबोला का कह रहा है, किसी जगह और मुख्तलिफ है. सिर्फ आप थोड़ी सी जी उसका एप्लीकेशन भी समझ जाएं तो इट विल बी सफिशिएंट. ओके थैंक यू, बंद कर. तुम में से एमएससी किसी ने किया हुआ है? एमएससी तो ये तुम लोग जॉब के लिए नहीं अप्लाई करते हो? ये जो है मुख्तलिफ जॉब निकलती हैं, अभी मेरे ख्याल है प्रोफेसर्स कमीशन की फेडरल की निकली थी, तो वो इसलिए मैं आपको फेडरल की इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर लोग जाते नहीं, तो हमारी सीटें खाली रह जाती हैं दूसरे लोगों के लोग. और अभी चाइना से में भी बड़े लोग आसानी से जा रहे हैं, स्कॉलरशिप देते हैं. ट्राई टू फाइंड इट. मेरे अपने दो स्टूडेंट अभी तक इसके भी मैंने सेशन दिए हैं.